देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिवसीय राजस्थान दौरे पर। राष्ट्रपति जयपुर के राजभवन में संविधान उद्यान का उद्घाटन करने के साथ ही 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। पांच दिन तक चलने वाली 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस आज से नागपुर में होगी शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सियोम पुल का करेंगे उद्घाटन। सियांग से ही रक्षा मंत्री सीमा सड़क संगठन की 27 अन्य परियोजनाओं का भी वर्चुअल माध्यम से करेंगे उद्घाटन। उत्तर भारत में घने कोहरे के साथ शीतलहर का प्रकोप जारी, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। अधिकतर राज्यों ने स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां बढ़ाई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वियना में अपने ऑस्ट्रियाई समकक्ष अलेक्जेंडर शालेनबर्ग के साथ की प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता। दोनों देशों के बीच हुए कई अहम समझौते। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री ने कहा, रूस यूक्रेन टकराव से ईंधन, भोजन और उर्वरकों की आपूर्ति की चिंता बढ़ी। खेल की खबरों में श्रीलंका के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज से टीम इंडिया करेगी 2023 के अभियान की शुरुआत। साल की पहली टी20 सीरीज के लिए हार्दिक पांड्या के पास है टीम की कमान। और ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का आज होगा अंतिम संस्कार। पेले का 82 साल की उम्र में कैंसर से जूझने के बाद हुआ था निधन।